प्रणाम। न्यू विजय ऑटोकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक कुछ अलग है, सीएनजी से भी जुड़ा हुआ है और खास करके उनके लिए है जो हमसे प्रेम रखते हैं। मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। भाई, बहुत लोगों को प्रेम भी है, बहुत लोगों को इससे नुकसान भी है, नाना प्रकार की चीज़ें हैं। तो भाई देखिए, मैं साफ साफ बात कहना चाहता हूँ ये चीज़ कि मैं ये प्रमाण करने के लिए कतई वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मैं फला हूँ। मेरा मकसद क्या था वो मैंने बोल दिया। मेरा मकसद जो था वो हमने बता दिया है इससे पहले की वीडियो में, और आज जो मैं बता रहा हूँ वो अलग टॉपिक है। अब भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें, भाई देखो, मैं दो तीन चीज़ें जानता हूँ। क्या चीज़? सीएनजी से लोग परेशान जो होते थे, सीएनजी से लोग जो डाइवर्ट होते थे, मैं उनके डाइवर्ट चीज़ों को, मैं उनका कन्फ्यूजन निकालने का प्रयास करता हूँ। सीएनजी में क्या है, मैं ये प्रमाण नहीं करता हूँ कि मैं मिस्त्री हूँ या नहीं हूँ, मैं किसके यहाँ काम करता था नहीं करता था कोई मतलब नहीं। मैं जिसके यहाँ काम करता था मैं उनसे आज भी बात करता हूँ और वो मेरे लिए सराहनीय हैं। वो मेरे साथ क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है, लेकिन ये मायने जरूर रखता है कि मैं उनके लिए क्या करता हूँ। सेम उसी प्रकार से कि मायने ये नहीं रखता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये जरूर मायने रखता है कि मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। तो मायने ये नहीं रखता कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बहुत बड़ी बात ये मायने रखती है कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ, यानी कि आप लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए, मैंने पहले बता दिया ना कि जो सीएनजी के बारे में जानकारी रखते हैं उनके लिए तो ये हवा हवाई है, भाई कोई बात नहीं, वो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। बहुत लोग हैं, दुनिया जो जो आगर है, क्यों मैं इस बात को मना करूं, ये तो स्वीकारने वाली बात है। हम भारतवर्ष में हैं, यहाँ एक से बढ़ के एक चीज़ थे। मैं तो सिर्फ वीडियो उनके लिए बनाता हूँ, जैसे कि आपको बताऊँ, एकलव्य के बारे में आप लोग जानते थे भाई साहब, दूर से सुन करके उन्होंने तीर चलाना स्टार्ट किया और उन्होंने गुरुदक्षिणा में क्या दे दिया, सोचिए। यहाँ पे ये बात मायने रखते हैं कि आपकी भावना कैसी है, आप किस भावना से मुझे फील करते हो या मैं किस भावना से आपको फील करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये तब समझ में आती है जब हम उस लायक होते हैं, और जब तक भावनाएं नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं होता है। भाई 10 चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो 10 चीज़ में से जरूरी थोड़ी ना कि सब आपके लिए हो या सब कुछ आपको पसंद आए, ये जरूरी नहीं है। लेकिन इतना मैं जरूर मानता हूँ कि हाँ, कुछ ना कुछ तो है, ये तो पक्का है, इसमें तो कोई बट नहीं है। अगर ऐसा कुछ ना होता तो आज मुझे आप लोगों का प्यार ना मिलता, ये तो पक्का है। मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि आने वाले कल को मैं रहूँ ना रहूँ, मेरी चीज़ें रहें, मेरा ये पार्ट्स रहे, मेरे पास जो जानकारी है वो रहे, और मेरे उस्ताद मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते थे। मेरे उस्ताद जी को भी मैंने लिंक भेज दिया है, वो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है। और मज़े की बात, मैं भी अपने उस्ताद जी की तरह कोई भी बात छुपाता नहीं। आप किसी भी चीज़ को पूछो तो, आप कहीं से भी अगर आपको लगता है कि बहुत बड़े धुरंधर या बहुत बड़े हो, तो मैं कुछ भी नहीं जीऊँ। हाँ, एक काम कर सकते हैं, मारुति कार का इंजन अगर बांधना हो मेरे यहाँ की पट्टी बांध दो, मैं इंजन बांधता हूँ और आपकी पट्टी बांध के इंजन बांधते हैं, देखते हैं कौन कितना जल्दी इंजन बांध लेता है। भाई हमारे ज़माने में जो गाड़ियाँ थी, हम उसी की बात करेंगे, आज की भी गाड़ियाँ मैं बांध लेता हूँ, लेकिन आँख पट्टी बांध के नहीं बांध पाऊँगा, आँख खोल के बांध पाऊँगा। चलो इंजन बांध लिए, अब आ जाओ गियर बक्से पे। 1 टेक में गियर बक्सा बांधना चाहिए, 1 टेक यानी कि 1 टेक। गियर बक्से में अगर फॉल्ट है, 1 नंबर 5 नंबर कोई भी गियर अगर स्लिप कर रहा है, ख़राब है, दिक्कत कर रहा है, वो गियर बक्सा या बैक गियर स्लिप कर रहा, छोड़ रहा, कोई भी पार्ट हो, XYZ गियर बक्से के अंदर, गियर बक्सा पलटी नहीं करना है। आजकल के मिस्त्रियों को मैं देखता हूँ कि भाई बहुत कलाकारी मारते हैं, तीर मार लेते हैं, पता क्या करते हैं, गियर बक्सा खराब है साहब, अरे साहब इसमें 5,000 रुपये लगेगा, ऐसा है साहब, आप चलो कबाड़ में से जो है बहुत सारे गियर बक्से मिल जाते हैं 3,000-4,000 रुपये का, उतना ही पैसा लगता है, पलटी कर देते हैं। ये बहादुरी नहीं भाई साहब, आप गियर बक्से को खोल के रिपेयरिंग करो और 1 टेक, एक बार में गियर बक्से को खोलनी है और बांध देनी है, और एक बार में जैसे ही अपने गाड़ी को स्टार्ट किया भाई साहब, गियर बक्से के अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए है। तो आओ
एक एक हाथ करते हैं। देखो मैं डीजल गाड़ी के बारे में कम जानता हूँ भाई, पेट्रोल गाड़ी के बारे में आप जैसे पूछो, जो पूछो, जहाँ पूछो, जैसे पूछो, कुछ भी पूछो यार, एक्स वाई जेड पूछो, मैं बैठा हूँ पूछने के लिए, मैं खुला बताता हूँ यार, पूछो तो मैं बता रहा हूँ, मैं कोई बात गोपनीय नहीं रखता, मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सीधा सिद्धांत है, मैं जानता हूँ जितना ज्ञान बांटोगे ना यार बढ़ जाएगा, और दुख बांटोगे ना घट जाएगा, पक्की बात बता रहा हूँ, आजमा के देखना, आपका दुख हो, दर्द हो, कुछ भी हो, दोस्तों में बांटना, मेरे भी यार दोस्त है भाई साहब, मैं उनको सलाम करता हूँ, मुझे हर पल साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और मेरा सपोर्ट अगर नहीं किए होते तो मैं इस मुकाम पे नहीं होता। मेरे चार पांच मित्र हैं लखनऊ के अंदर जो मैं दिल से मानता हूँ, मेरी बात हो ना हो वे एक अलग बात है, लेकिन मैं मानता हूँ। देखो मानने के लिए ना आईने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ समझने की फीलिंग की आवश्यकता होती है, और वो फीलिंग बहुत बड़ी बात होती है, फीलिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने बता दिया ना, आप मेरे को क्या मानते हो आपकी सरदर्दी है, लेकिन मैं आपको क्या मानता हूँ वो मेरी सरदर्दी है, और ये मेरी प्रेरणा है और मेरी ये थिंकिंग है। तो आप सभी को मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी कुछ सोचते हो एक्स वाई जेड, मायने वो नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मैं आप लोग क्या सोचता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब काम की बात ये बताते हैं कि CNG से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग काम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग भैया कम से कम करते हैं, इस समय लोगों को आवश्यकता है इस चीज़ की, आप लोग उस लायक हैं, मैं उस लायक हूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि भाई जो लोग, जो परेशानी, जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कत किसी को ना आए, बस मैं इस उद्देश्य से वीडियो बनाता हूँ। मेरा मकसद बिल्कुल कतई ये नहीं है कि मैं डाइवर्ट करूँ, या मैं CNG की बुराई करूँ, या मैं, मतलब देखो जो बुरी है वो बुरी है, मैं तो बिंदास बोलता हूँ यार, अगर CNG बुरी होती तो मैं खुल के बोलता कि हाँ CNG बुरी है, आप बताओ क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिसके लिए वो दिक्कत करती है, जिस चीज से वो दिक्कत आती है, मैं तो वो बताने का प्रयास करता हूँ कि हाँ इस चीज से ये दिक्कत करती है और इस चीज से ये दिक्कत करती है। अब बताओ आप क्या मैं सही कह रहा हूँ या नहीं, अगर आपको किसी वीडियो में ऐसा लिंक मिलता है तो आप मुझे प्लीज बताओ। आज मैं एक और बात बता दूं, मारुति के गाड़ी में 11 नंबर का नट कहाँ पे होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो भी बंदा बताएगा मैं उसको गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। क्या मारुति में 11 नंबर का नट कहाँ होता है? 11 नंबर में समझ रहे हो ना, हार्डवेयर वाला 11 नंबर नहीं, ये वाला 11 नंबर जो मारुति देती है, अगर उसमें रिंच लगाया जाए तो 11 नंबर का रिंच उसमें बैठेगा। अगर ऐसा आपको जानकारी हो तो प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आज का मेरा वीडियो आपको पर्सनली कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ हम चलते हैं आगे, और आप देखते रहिए हमारे न्यू वीडियो ऑटोगैस को। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी के साथ हम चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।